एक हालात था मेरे ऊपर आ गया, मैंने किस कैसे, आप सोचोगे मेरे ऊपर क्यों आया, मैंने कोई पाप किया है? मैं उसका वचन बताऊंगा कि हालात आने का कारण क्या है, क्योंकि हालात आने के दो कारण है। मैं पिछले महीने डेढ़ महीने से आपको बता रहा था कि मैं अपने जीवन की एक बड़ी टेस्टामनी बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? अपने जीवन की एक बिग टेस्टामनी बताऊंगा, इस संडे बताऊंगा, और साथ में आपको वचन भी बताऊंगा कि किस रीति से हालातों पर फतेह पाई जाती है, कैसे हम उन चीजों में आगे निकलते हैं, और कैसे वो चीजें जो मेडिसिन से भी नहीं, ट्यूब से भी नहीं, किन चीजों से भी नहीं पूरी होती, वो किसके वचन से पूरी होती है। बोलो, किसके वचन से पूरी होती है? संडे मिस मत करना, मैं बताऊंगा अपने जीवन की बड़ी टेस्टामनी कि मैंने एक हालात था मेरे ऊपर आ गया, मैंने किस कैसे, आप सोचोगे मेरे ऊपर क्यों आया, मैंने कोई पाप किया है? मैं उसका वचन बताऊंगा कि हालात आने का कारण क्या है, क्योंकि हालात आने के दो कारण है। आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, हालात आने के आपके जीवन पे दो कारण है जिसके कारण हालात आता है। अगर आपको पता नहीं है ना, तो कभी शैतान आपको मूर्ख बनाएगा और अपनी युक्ति में फंसाएगा और खदेड़ देगा, कुछ भी कर देगा। इसलिए जो वचन है आपके जीवन को मेंटेन, आपके जीवन की मेंटेन करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोगों ने इस मैसेज को सुना है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब लोग इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर से अपनी डिलीवरेंस को ले सकें। मेरा विश्वास है कि ये मीटिंग आपको सेम नहीं रहने देगी, और आप इस मीटिंग में से समझोगे कि हालात क्यों आते हैं और इसका कारण क्या है। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को आप देख सकें और परमेश्वर के अद्भुत और शक्तिशाली कामों को भी आप देख सकें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।